मंदरु, ये जो गुजरात चुनाव प्रचार की फिल्म चल रही है ना, मैं आज उस फिल्म में तुझे एक कमाल का गेस्ट अपीयरेंस दिखाता हूं। कमाल का, तू दंग रह जाएगा, दंग। किसका गेस्ट अपीयरेंस है? करो, दिखाओ दिखाओ। सब्र कर यार, सब्र कर। गुजरात के पूरे चुनाव प्रचार में फोकस या तो पीएम मोदी जी और राहुल गांधी जी पर रहा, और जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वो मणिशंकर अय्यर ने ले ली। हर कोई बेचारे अय्यर साहब पे टूट पड़ा। लेकिन इस पूरे प्रचार में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी लगभग गायब ही रहे। मतलब गुजरात में चुनाव है, रूपाणी जी वहीं के सीएम है माशाल्लाह, तो उन्हें प्रचार का हीरो होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं बंदरू? हाँ बिल्कुल, वो तो चीफ मिनिस्टर है जी। लेकिन आज फाइनली फाइनली उनका गेस्ट अपीयरेंस नजर आया। गेस्ट यानी अतिथि कलाकार। उनके दो बड़े सीन आज चुनाव प्रचार में दिखे। एक तो भक्ति भावना से ओत प्रोत परिपूर्ण सराबोर, लेकिन दूसरा सीन तो भाई कमाल का है। लेकिन अब उसे कॉमेडी कहें या ट्रेजेडी, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। दिखा तो सीन। अरे हाँ हाँ, पहले ये भक्ति भावना वाला सीन देखते हैं, यानी रूपाणी जी का टन टन एंट्री सीन। आह वाह, ये देखिए, आज रूपाणी जी आनंद में स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए गए, वहां जीत की प्रार्थना की और पुजारी जी से आशीर्वाद भी लिया। ये तो था रूपाणी जी का एंट्री सीन। इसके बाद रूपाणी जी बड़ी शान से आनंद में रोड शो करने गए। क्या जबरदस्त एंट्री मारी है चेकरो सीएम साहब ने, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ही तो असली सीन आया बंदरू। एबीपी न्यूज के संवाददाता रविकांत ने रूपाणी जी से इंटरव्यू की बात की। रूपाणी जी मान गए और एबीपी न्यूज से बात करने के लिए खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, फिर हमारे रिपोर्टर ने किया उनसे पहला सवाल। ये देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ने इतनी टफ फाइट दे रखी है कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान कांग्रेस ने इतनी टफ फाइट दे रखी है कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के मुद्दे को लाना पड़ा। अरे 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 अरे, रोको रोको, अरे रूपाणी जी को कोई रोको भाई। रूपाणी जी, विजय जी, सर, श्रीमान, महोदय, अरे कोई तो रोको उन्हें, कहां निकल रहे हैं? सर सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, रुकिए तो। अरे रूपाणी जी, हमारे सवाल में कोई खराबी नहीं दिया, आप तो ऐसे निकल लिए जैसे न जाने हमने क्या पूछ लिया आपसे। भाई मोदी जी ने खुद मणिशंकर अय्यर पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ गुप्त बैठक का आरोप लगाया है, और बीजेपी के नेता बार बार इस पर बात कर रहे हैं, फिर आप क्यों निकल लिए? गेस्ट अपीयरेंस वो भी अधूरा, यानी हाफ अ गेस्ट अपीयरेंस। भाई आप तो सीनियर नेता हैं, सवालों से बचने का ये क्या तरीका हुआ रूपाणी जी? नाउ दिस इज नॉट फेयर, प्लीज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।